दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से केबल क्रिम करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये केबल है और ये क्रिम्पिंग टूल और ये कटर और ये RJ45 कनेक्टर। ओके, सबसे पहले मैं ये जो केबल जो है उसको यहाँ से थोड़ा मैं हल्का सा हल्का सा काट लूँगा, उसका ऐसे खींच लूँगा। आप देख सकते हैं कि टोटल 1, 2, 4 पैर दिए हुए हैं और हर एक पैर के अंदर 2 वायर है। ओके, यहाँ पर जो ब्लैक है उसको यहाँ से काट लूँगा और यहाँ पर जो वाइट है उसको मैं काट लूँगा। ओके, उसके बाद मैं उसको एकदम स्ट्रेट करूँगा। स्ट्रेट करने के बाद मैं उसको अलग अलग करूँगा जो पैर है उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पैर को अलग कर रहा हूँ, जो पैर है उसको मैं अलग कर रहा हूँ। ये सबको मैंने अलग अलग कर दिया है। ओके, इसका जो कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन के मुताबिक उसका जो पेयर है वहाँ से ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो सबसे मैं ऑरेंज वाइट ऑरेंज निकालूँगा। यहाँ पर आपको देखना है कि ऑरेंज वाइट ऑरेंज कौन सा है। तो यहाँ पर मैं ये ऑरेंज वाइट ऑरेंज केबल को पहले कर दो, उसको स्ट्रेट कर दूंगा। उसको एकदम स्ट्रेट करना है ऑरेंज। उसके बाद मैं ऑरेंज को ले लूँगा, उसको भी मैं स्ट्रेट करूँगा। उसके बाद मैं ग्रीन वाइट लूँगा, उसको भी मैं स्ट्रेट करूँगा। ग्रीन वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट, उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लू लेगा, ब्लू ग्रीन वाइट के बाद ब्लू लेगा। ग्रीन वाइट को या वाइट ग्रीन को दोनों एक ही है। ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट लूँगा, ये ब्लू वाइट है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट करूँगा। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट, उसके बाद वापस ग्रीन को लेगा, ग्रीन, उसके बाद में ब्राउन वाइट,